क्या पूछोगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम जानवी, मैं हूं अमर द्विवेदी। इस समय पर हम खड़े हैं सीधी जिले के सिहावल विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र खावड़ा में। यहां पर एक विवादित आंगनबाड़ी भवन एवं पानी टंकी का निर्माण हो रहा है, जहां जिसके संबंध में यहां के कुछ स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी। उस शिकायत के संबंध में आज हमारे पास SDM सिहावल श्री सुधीर कुमार बेग जी हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि वह किस निर्णय पर पहुंचे हैं, चूंकि काफी विवादास्पद यह मामला हो चुका था। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या उनकी उनके निर्णय लिया गया। उनके सर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, अभी तो इसमें किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया। ये सही है कि पूर्व में पंचायत खड़बड़ा के द्वारा यहाँ पे आंगनबाड़ी और शौचालय जो बनाया गया है, जैसे मेरे बाजू में ही है, और इधर इसके पीछे तरफ पानी टंकी का निर्माण किया जा रहा है पंचायत विभाग के द्वारा। इसमें कुछ लोगों ने शिकायत किया था कि ये तालाब जो खड़बड़ा में जो तालाब है उसकी मतलब भीट या जो पाल जो है उसके अंदर बनाया जा रहा है। मुझे शिकायत मिलने पर मेरे द्वारा इस्तीफा जारी कर दिया गया था और मैंने संबंधित जिला कार्यालय को इसका संबंध में अवगत करा भी दिया था, और आज मौके पर आया हूँ मैं देखने के लिए। आज इस पटवारी भी है हमारे साथ, इसका विधिवत हम सीमांकन कर लेंगे और देखेंगे तालाब में आता है या नहीं आता है, उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। चलिए, ये तो SDM साहब का कहना था। हम यहाँ के स्थानीय लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि उन लोगों का क्या कहना है। क्या नाम है दादा आपका? हम लोगों की पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। चलिए, हम यहाँ के सचिव तथा सरपंच, रोजगार सहायक तथा पटवारी से भी हमारे से मांग करते हैं, आखिर ये मुद्दा इतना क्यों गरमाया हुआ है? जब लोगों की विकास की बात आती है तो आखिर उन्हीं समाज में से तबके से कुछ लोग निकल करके क्यों ऐसा आरोप लगाते हैं कि विकास कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं? पटवारी राकेश विश्वकर्मा जी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, ये बताया जाए कि स्थगन आदेश कब जारी हुआ था? 30 दिसंबर। उसके बाद से क्या किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य किया गया है? जितना निर्माण कार्य हो गया था मैंने फोटो भी करके रखा था। नहीं तो आपकी जानकारी, क्या निर्माण कार्य हुआ उसके बाद से? उसकी जानकारी जैसे मैं यहाँ आता था, मैं लोगों से पूछता रहता था बीच बीच में कि यहाँ पर कुछ काम धाम हो रहा है, पर मैं लिखित स्टे भी चिपका के गया था और लोगों को अवगत करा दिया था कि अगर कुछ होता है उसकी जानकारी मुझे दी जाए, क्योंकि आप ही लोग हैं सब यहाँ के धंधे फेंक करने वाले। मैं तो यहाँ 24 आवर रह नहीं पाऊँगा, मैं उमरी भी जाना रहता है और उधर सोन किनारा रहता है, किस जगह घूमना रहता है। लोगों द्वारा बताया गया कि फिलहाल अभी तक कोई चीज़ अगर निर्माण कार्य नहीं हुआ। यहाँ पानी की टंकी के लिए खुदाई का कार्य चालू हुआ था जो कि साथ पीएचई विभाग का आपत्ति हुई थी, तो मैं यहाँ के काम रुकवाया था और SDM साहब को पूछा था। SDM साहब द्वारा आपके क्या निर्देश प्राप्त हुए? अभी फिलहाल इस पर स्टे है और आगे आदेश तक निर्माण कार्य नहीं किए जाने की हिदायत दी गई। चलिए, ये तो यहाँ के पटवारी का कहना था कि निर्माण कार्य 30 दिसंबर के बाद नहीं हुआ है। हमारे साथ जुड़ेंगे खबड़ा के सचिव रामगरी पटेल जी, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्या कहते हैं। क्या कहना है सर आपका? पहले यहाँ जगह नहीं मिल रही थी आंगनबाड़ी जी, हमारी पेशी जिला पंचायत में 10 बार हुई जी। श्री साहब बोले यदि आंगनबाड़ी नहीं बनवाओगे तो हम सस्पेंड कर देंगे जी। फिर निवेदन किए SDM साहब, तहसीलदार साहब को, पटवारी साहब को सबसे निवेदन किए कि हमें जगह बताया जाए, किसी ने जगह नहीं बताया। फिर जिला पंचायत फिर पेशी हुई, CO साहब भेजे EE साहब को यहाँ, तो आके जगह स्थल निरीक्षण किए और हमको बताए कि हम बनाओ, तो हम बनाना शुरू कर दिए। जब तक बनाए, जब तक मेरा छत नहीं पड़ा, कोई आपत्ति नहीं लगाया। जब छत पड़ गया, छपाई का काम आने मने शुरू होने लगा, तो आपत्ति लगा दिए लोगों ने। तो SDM साहब माननीय SDM साहब 30/12/2020 को स्थगन दे दिए, तो मैंने काम रोक दिया। आज काम बंद है, अभी तक बंद है, बंद है। चलिए ठीक है, ये तो कहना था यहाँ के सचिव जी का। हमारे साथ सरपंच भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस बारे में। क्या सरपंच जी क्या कहेंगे आप इस सब संबंध में? गए थे कलेक्टर साहब ने बोले कि सरपंच बनवाओ, काम चालू कराओ, नहीं तो पेशी होगा। हम यहाँ आंगनबाड़ी बनवाए, लोगों ने रोक लगा दिए, तो आंगनबाड़ी बनना चाहिए।
बनना चाहिए। यहाँ के लोगों का भी बड़े ही प्रमुखता के साथ कहना था कि यहाँ पर जो आंगनबाड़ी भवन का निर्माण हो रहा है वो भी बनना चाहिए, यहाँ पर जो पानी टंकी बन रही है वो भी बनना चाहिए। हमारे साथ कुछ और स्थानीय निवासी जुड़ेंगे और उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? यही कहें आप, तो आपका क्या कहना है इस सब संबंध में? हमको यह कहना है कि साहब बना चाहिए, बनना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं सभी ग्रामीणों का एकजुटता के साथ यही कहना है, यहाँ पर जो पानी टंकी का निर्माण हो रहा है, आंगनबाड़ी भवन का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर हमारे ननिहाल पढ़ेंगे, उनके उनका भविष्य उज्जवल होगा। जो पानी टंकी यहाँ पर बन रही है, पानी की काफी समस्या है, उनके उसके संबंध में उनका निदान होगा। तो कहीं न कहीं किसी एक या दो व्यक्ति के आपत्ति के कारण आज इतनी बड़ी स्थिति निर्मित हो गई है कि एसडीएम साहब सिहावल को खुद यहाँ पर आ करके मौके का निरीक्षण करना पड़ा और पटवारी को संबंधित तथा संबंध में कुछ दिशा निर्देश देने पड़े। हम और भी ग्रामीणों से जानेंगे जो हमारे साथ कुछ है। क्या नाम है आपका? नाम रामाश्रय। रामाश्रय, हाँ, क्या कहेंगे आप इस संबंध में? यहाँ बनना चाहिए, बनना चाहिए। देखिए, सभी ग्रामीणों का यही कहना है कि यहाँ पर बनना चाहिए। हमारे साथ है एक सज्जन खड़े हुए हैं, सर क्या नाम है आपका? भरत बुआल जी। क्या कहना चाहेंगे आप इस संबंध में? बस इसी संबंध में बोल दिया हूँ ना, यही कह रहा हूँ कि तालाब में यदि नियम में है, तालाब में कोई भवन का निर्माण हो, कोई मतलब है और कुछ हो, तो बनना चाहिए, विकास काम होना चाहिए। हमारे यहाँ खेल का मैदान नहीं है, खेल का मैदान तालाब की तो कोई आज देखने में कोई उपयोगिता नहीं दिखाई दे रही है। तालाब क्यों खदाया गया बताइए सर? ऐसा क्यों हुआ कि जब आंगनबाड़ी भवन का पूरा निर्माण हो चुका है इसके बाद आपत्ति लगाई गई है, पानी टंकी की आज तक खुदाई हो गया इसके बाद आपत्ति लगाई? आपत्ति मैं नहीं जानता हूँ क्यों लगाई गई, कैसे हुआ, मैं इसके संबंध में नहीं बता सकता हूँ। परंतु मैं ये कह रहा हूँ, यदि नियम में है, शासन के नियमानुसार है, तो तालाब के भीटा पर चारों तरफ बिल्डिंग नहीं है हमारे ग्राम पंचायत में, आंगनबाड़ी के कई बिल्डिंग है, आंगनबाड़ी के चारों तरफ बिल्डिंग बन जाना चाहिए, बोर हो जाए और अधिक अच्छी तरह से बोर हो जाना चाहिए, और जो कुछ नियम में हो, यदि है ऐसा नियम में कि तालाब के अंतर्गत होना चाहिए, बिल्डिंग बननी चाहिए, तो बन जाए, हमारी क्या आपत्ति है, विकास का काम है। इस संबंध में हम यहाँ के सचिव से जानने का प्रयास करेंगे। सर, ये बताइए, किसके कहने पर यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू किया गया है? हम पहले आए यहाँ, बहुत जगह देखे, कोई जगह नहीं देने को तैयार था, पटवारी को भी लाए, भी बुलाए और दिखवाए, भाई साहब से पूछ लीजिए, 645 बटा 2 अभी आरक्षित है जगह आंगनबाड़ी के लिए, इनको भी बुलाए, इनसे भी निवेदन किए, भी मुकर गए, आरक्षित है एक जगह, यही तालाब के बगल में आरक्षित है पंचायत में, हम वहाँ जिला पंचायत से पेशी होने की सस्पेंड कर देंगे। तो फिर वहाँ से डबल ई साहब आए और स्थल निरीक्षण करके और निर्माण कार्य कराया जा रहा है वरिष्ठ अधिकारी के मार्ग। क्या इसके अलावा दूसरी जगह पर शासकीय भूमि नहीं थी? नहीं मिली हमको, आज 2 साल से आंगनबाड़ी पड़ी थी, हम परेशान थे, वो आए यहाँ स्थल निरीक्षण कर लिए, और है तो भी बनाना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आंगनबाड़ी और हम काम नहीं कर पा रहे, हम तक आंगनबाड़ी बन चुकी थी, उधर गए उसकी जगह आपका प्रश्न बहुत वाजिब है, लेकिन जगह की उपलब्धता तो करवाइए, सरपंच गरीब है, गरीब के पास नहीं है, सरकारी जमीन नदी के किनारे है, वहाँ हो नहीं सकता है, जहाँ जमीन है वहाँ जनता पास की है, वहाँ मरना चाहिए। गवर्नमेंट की जो हितग्राही मूलक योजनाएं होती है वो महत्वपूर्ण होती है, कुछ योजनाएं ऐसे जैसे बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, इन सब में पानी की सुविधा के लिए यहाँ पर पानी टंकी का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों द्वारा उसमें स्थगन प्राप्त किया गया है। यहाँ के सचिव का भी यह कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में ही यहाँ का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। हालांकि यह दिलचस्प देखना होगा कि यहाँ पर अभी एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने भी मौके का निरीक्षण किया, पटवारी को भी कुछ मौखिक निर्देश दिए, और देखने वाली बात यह होती है कि अब उनके इस निर्देश का क्या असर होता है, यह स्थगन आदेश अभी जारी रहता है या फिर से निर्माण कार्य शुरू रहता है। धन्यवाद।